शनिवार को गांधी जयंती के अवसर पर संपूर्ण देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश अनुसार राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक प्राधिकरण उज्जैन द्वारा भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक विभिन्न साक्षरता शिविर का आयोजन किए जाएंगे और साथ ही आयोजित होने वाले इन शिविरों के माध्यम से आम जनता को भारत में लागू कानूनों के प्रति जागरूक किया जाएगा। न्यायालय परिसर नागदा में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती शनिवार को एक प्रभात फेरी का आयोजन भी किया जाएगा। इस प्रभात फेरी में नागदा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ ही समस्त न्यायाधीश गण, अधिवक्तागण एवं आम जनता अपनी सहभागिता दर्ज कराएगी। प्रभात फेरी को नागदा न्यायालय में पदस्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती वंदना राज पांडे एवं समस्त न्यायाधीश गण हरी झंडी देकर प्रभात फेरी को रवाना करेंगे। निकलने वाली प्रभात फेरी नागदा न्यायालय परिसर से प्रातः 9 बजे रवाना होगी जो बस स्टैंड नागदा पर समाप्त होगी। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील अभिभाषक संघ नागदा की तथार्थ समिति के संयोजक विजय वर्मा, एडवोकेट एवं समिति के सदस्य गणों ने की है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जिसके तत्वाधान में जबलपुर न्यायालय से सभी न्यायालय भी उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से प्रारंभ होकर 14 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेंगे जिसमें शासन की योजनाओं, लाभदायक कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी और विधिक सहायता के संबंध में सभी को गांव-गांव जाकर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस संदर्भ में जबलपुर न्यायालय से जो पत्र जारी हुआ उसके अनुसार संबंधित न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय वंदना राज पांडे द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया है जिसमें हर गांव में संगोष्ठी आयोजित करके यह सूचना यह जानकारी अवेयरनेस के लिए जानकारी दी जाएगी जिससे शासन की योजनाओं का लाभ वो लोग जो गरीब हैं और निर्धन हैं किस प्रकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं इस बारे में एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे जिसमें सभी यहाँ के न्यायाधीश और वकील और मेंबर जो लीगल एड थे वो जाके संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। इस प्रकार 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। धन्यवाद। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तत्वावधान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश के मुताबिक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और हमारे माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिए गए निर्देशों के पालन में दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से 14 ग्यारह 2021 तक मनाए जाने वाले इस आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में न्यायाधीशगण और अभिभाषक साथियों के द्वारा भी हिस्सेदारी करते हुए आदेशानुसार कल दिनांक 2 अक्टूबर 2021 को न्यायाधीशगण के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा और इसमें एक फेरी का कार्यक्रम है जिसे प्रभात फेरी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी के कार्यक्रमों में जो आज़ादी के संघर्ष का कार्यक्रम था उसमें प्रभात फेरी का एक अपना अहम रोल है। कल दिनांक से उस तरह का एक आगाज हम लोग कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालय परिसर नागदा से तमाम जनता को इस बात का संदेश देने और जागरूकता पैदा करने के सिलसिले में है ताकि वो विधि के संबंध में उनको आने वाली तकलीफों और उनको प्राप्त अधिकारों के विषय में जागृत हो सके। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा जो आदेश दिया गया है पूरे देश के अंदर आज़ादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के तहत विभिन्न न्यायालय परिसरों के अंदर एवं अनेक क्षेत्रों के अंदर गाँव-गाँव जाकर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाएंगे और आम जनता को इसके ज्ञान दिया जाएगा कि वह कानून के प्रति किस प्रकार से जागरूक रहे। नागदा न्यायालय को भी इस प्रकार के आदेश प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में नागदा न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण के द्वारा कल दिनांक 2 अक्टूबर के दिन यहां नागदा न्यायालय परिसर से प्रभात फेरी निकाली जाएगी जिसके अंदर नागदा क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सहभागिता की जाएगी। समस्त न्यायाधीशगण उन्हें हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। वह प्रभात फेरी नागदा न्यायालय से प्रारंभ होकर
बस स्टैंड पर समाप्त होगी और इस रैली के अंदर जो है महात्मा गांधी के जयकारे किए जाएंगे और लोगों को जागरूकता प्रदान की जाएगी।